अगर आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपको भविष्य में वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी जरूरत है। अमेरिकन बिजनेस टाइकून वॉरेन बफे के ये शब्द 21वीं सदी की जिंदगी का पूरा फलसफा पेश करते हैं। जब भी आपको ये महसूस हो कि मुझे कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो खुद से एक सवाल आप जरूर पूछिएगा, जो चीज आप खरीदने वाले हैं उसकी जरूरत है या इच्छा है। अगर ये आपकी इच्छा है तो इस आइडिया को यहीं आप ड्रॉप कर दीजिए, इसको भूल जाइए। यदि वो चीज आपके लिए खरीदना जरूरी है, आपकी जरूरत है, तो आप इसे खरीदें। तो अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए चाहिए होगा पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो ठीक, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप बिना लोन लिए पैसे का बंदोबस्त कर सकते हैं। इंडियन मनी चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कुमार पवन। दोस्तों, लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन इसे चुकाना बहुत मुश्किल। इसलिए बिना लोन लिए अपनी जरूरत का पैसा जुटा लिया जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए अब बताता हूं वो टिप्स जिनकी मदद से आप बिना लोन लिए पैसे का बंदोबस्त कर सकते हैं। पहली टिप्स ये है कि आप अपने घर में पड़ी बेकार चीजों को बेच दें, जैसे कि काम में नहीं आने वाले कुछ आइटम है, उनको बेचकर आप पैसे जुटा सकते हैं। अनयूज्ड या एक्स्ट्रा मोबाइल फोन अगर आपके पास है तो आप इसे बेचकर पैसा जुटा सकते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा मोबाइल होते हैं, जबकि आपका काम सिर्फ एक मोबाइल से चल सकता है, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा मोबाइल है उसे बेचकर पैसा जुटा सकते हैं। और आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एप्स हैं, जिनकी मदद से आप तुरंत अपना मोबाइल फोन बेचकर कैश का इंतजाम कर सकते हैं और आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा और आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है तो आप दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बेच सकते हैं जो आपके काम नहीं आ रहे या जो एक्स्ट्रा है, जैसे कि टीवी। अगर आपके पास पुराना टीवी है, अगर आप उसको काम में नहीं ले रहे तो आप उसको बेच सकते हैं। फ्रिज या कोई दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको आप बेच सकते हैं अगर आप उसको काम में नहीं ले रहे। दोस्तों, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लैपटॉप हो जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अनयूज्ड है, तो आप उसको भी बेच सकते हैं। लैपटॉप से भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो आप काम में नहीं ले रहे, चाहे वो अनयूज्ड है या एक्स्ट्रा है, उनको बेचकर आप पैसे जुटा सकते हैं। उसमें मोबाइल फोन आता है, टीवी है, फ्रिज है या फिर लैपटॉप है, इनको आप बेचकर पैसे जुटा सकते हैं, तुरंत आपको कैश मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा कार होती है, यानी कि एक से ज्यादा कार। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें एक से ज्यादा कार होती है, दो लोग हैं तो उनके पास 3 या 4 कार होती है। तो ऐसे में अगर आपका काम एक कार से चल रहा है तो आपकी जो एक्स्ट्रा कार है आप उसको बेच सकते हैं। उस कार को बेचने का फायदा यह होगा कि आपको तुरंत कैश मिल जाएगा, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। और जो कार है वो आपका हर रोज उसकी कीमत घटती जाती है, जबकि लोन आप लेंगे तो वो आपका पैसा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज में बहुत चुकाना पड़ेगा। तो कार आप बेच सकते हैं। कार को बेचने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं, जो आपके लोकल बाजार है उनमें आप बेच सकते हैं। तो कार बेचकर आप अच्छा खासा पैसा जुटा सकते हैं और आपकी जो नीड है, जो इंस्टेंट कैश आपको चाहिए, अभी चाहिए, उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो लोन लेने के बजाय एक्स्ट्रा कार बेचना या पुरानी कार बेचना जिसको आप काम में नहीं ले रहे, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। इससे आप लोन के बोझ से बच जाएंगे। और दोस्तों, जब आपके पास पैसा होगा तो आप कार दोबारा भी खरीद सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप कर सकते हैं और लोन लेने से आप बच सकते हैं और आप ब्याज आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कार से आपको कमाई हो सकती है, कैश की जरूरत पूरी हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कई बाइक होती है, कई मोटरसाइकिल होती है, वो भी काम में नहीं लेते हैं लेकिन खड़ी रहती है घरों में। तो आप ऐसी बाइक्स को भी बेच सकते हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो आपके काम की नहीं है, पड़े पड़े खराब हो रही हैं, उनको आप बेचकर कैश का इंतजाम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छी साइकिल्स होती हैं लेकिन वो अब उसको इस्तेमाल नहीं करते, पुरानी हो गई है, तो उनको भी आप बेच सकते हैं। यानी कि पुरानी जो कबाड़ की चीज़ें हैं उनको आप बेचकर कैश का इंतजाम कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कैश चाहिए तो। अगर आपको ज़्यादा कैश चाहिए तो आप दूसरी चीज़ों को ऑप्शन के तौर पर ले सकते हैं। तो बाइक और साइकिल है, मोटरसाइकिल और साइकिल, इनको बेचकर भी आप कैश का इंतजाम कर सकते हैं। इसके लिए भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो लोकल मार्केट है उसमें भी आप इन चीज़ों को बेच सकते हैं और आपको तुरंत कैश इनके बदले में मिल जाएगा। दोस्तों, बिना लोन लिए पैसे का इंतजाम करने का एक और आइडिया है,
और ये आइडिया है बेकार पड़ा फर्नीचर बेचना। यानी कि बहुत सारे घरों में ऐसे फर्नीचर होते हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, आउटडेट हो गए हैं, लेकिन हम उन्हें रखे रखते हैं और उनको कोई काम नहीं लेते, इसके बावजूद वो घर में पड़े रहते हैं, बेकार पड़े रहते हैं। तो आप ऐसे फर्नीचर को बेच सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक आपको कैश की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा दोस्तों कि जो आपके घर का एक स्पेस इन फर्नीचर में ऑक्यूपाइड हो गया है, जो घेर रखा है, जगह जो आपके घर की घेर रखी है इन फर्नीचर ने, वो आपकी फ्री हो जाएगी। यानी कि आपका स्पेस फ्री हो जाएगा, आपको जो पैसे की नीड है वो भी पूरी हो जाएगी। तो आप बेकार पड़ा फर्नीचर भी बेचकर कैश का इंतजाम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कुछ बेचना नहीं चाहते हैं तो अब आपको बताता हूं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी कुछ चीजों को किराए पर देकर भी कैश का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो यह बंदोबस्त कैसे होगा? जैसे आपके पास कार है तो आप उसको किराए पर दे सकते हैं। तो आप कार को किराए पर देकर डेली या मंथली रेंटल के जरिए आप अपनी कमाई कर सकते हैं, पैसा जुटा सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। कार किराए पर देने से ना तो आप पर लोन का भार बढ़ेगा और ना ही आपकी कार बिकेगी। यानी कि दोनों ही चीजें आपके साथ नहीं होगी, लेकिन आपको पैसा मिल जाएगा। जब आपकी कैश की जरूरत पूरी हो जाए तो आप कार को किराए पर देना बंद भी कर सकते हैं। तो ये कैश जुटाने का एक बेहतरीन आइडिया है। अगर दोस्तों आपके पास घर बड़ा है, आपके पास एक्स्ट्रा रूम है, तो आप अपने घर या ऑफिस में अतिरिक्त कमरा या खाली स्पेस है उसे भी किराए पर देकर पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। पेइंग गेस्ट रख सकते हैं, कमरा किराए पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एक्स्ट्रा रूम को एयरबीएनबी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अटैच कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छी खासी कमाई हो सकती है और आपकी जो कैश की जरूरत है वो पूरी हो सकती है बिना कुछ बेचे हुए। दोस्तों अगर आपका घर या दफ्तर सड़क पर है तो आप उस जगह पर होर्डिंग्स लगवा सकते हैं। इससे भी आपको अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इसके लिए आप प्राइवेट फर्म या आपके शहर की लोकल बॉडी है उसे संपर्क कर सकते हैं। प्राइवेट फर्म और स्थानीय निकाय है अक्सर होर्डिंग लगाने के लिए जगह की तलाश करते रहते हैं। इसके बदले में पैसा भी अच्छा मिलता है, यानी कि होर्डिंग्स के बदले में अच्छी कमाई आपको हो सकती है। और दोस्तों आप अपना पार्किंग स्पेस है वो भी किराए पर दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी जगह है जो खाली पड़ी है और उसे पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप ये आइडिया भी अपना सकते हैं कि उस जगह को आप पार्किंग के तौर पर किराए पर दे दें। अपने घर या ऑफिस के पास की जगह को आप पार्किंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे किराए पर दे सकते हैं। दोस्तों जब आप अपनी जगह पार्किंग के लिए किराए पर देंगे तो इससे भी आपको एक मुश्त है वो पैसा मिल जाएगा, यानी कि आपकी कैश की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। और दोस्तों ये तो तरीका हुआ दूसरा, अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। ये तरीका है उन असेट्स को बेचना जिनका रिटर्न बैंक लोन से कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सोना चांदी या जमीन में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है लेकिन वहां से मिलने वाला रिटर्न बैंक लोन से कम है, तो आप उनको बेचकर कैश जुटा सकते हैं और ये एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है। गोल्ड यानी कि सोना। दोस्तों यदि आपके पास बड़ी मात्रा में सोना है या गोल्ड ज्वेलरी है तो आप उसे बेचकर कैश की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप सोना फिर से खरीद सकते हैं। लोन लेने से अच्छा आइडिया है गोल्ड को बेचकर कैश की जरूरत को पूरा करना। सोना फिर से खरीदा जा सकता है लेकिन अगर आप लोन लेंगे तो उस पर आपको ब्याज बहुत चुकाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपने चांदी खरीद रखी है, इन्वेस्ट कर रखा है बड़े पैमाने पर, तो लोन लेने के बजाय आप चांदी को बेचकर भी नकदी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा फैसला होगा। जितना ब्याज आप बैंक लोन पर चुकाएंगे उतना रिटर्न चांदी से आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप सोना या चांदी बेचते हैं तो ये एक अच्छा फैसला होगा बनिस्पत की बैंक लोन लेना। दोस्तों अगर आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी या प्लॉट या भूखंड है जो कम रिटर्न देता है बैंक से, उसको आप बेच सकते हैं और कैश की अर्जेंट जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। यानी कि कम रिटर्न देने वाले ऐसे असेट्स को बेचकर आप पैसा जुटा सकते हैं जिनको आप अब तक रखे हुए थे लेकिन अब आपको कैश की जरूरत है और आप बैंक लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आप बैंक लोन लेने के बजाय इनको बेच सकते हैं। और जब आपके पास पैसे होंगे तो इनको आप फिर से खरीद सकते हैं, फिर से प्रॉपर्टी और सोने चांदी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फैसला होगा दोस्तों जो आपको प्रॉफिट देगा और साथ ही आपकी तुरंत जो कैश की नीड है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज जानने के लिए आप डाउनलोड कर लें फ्रीडम ऐप। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रीडम ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होगी, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर 960 से ज्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको पर्सनल फिनांस यानी कि कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है,
कैसे ज्यादा रिटर्न लेना है ये तो आपको सिखाएंगे, साथ ही आपको बिजनेस के ऐसे ऐसे तौर तरीके और आइडियाज बताएंगे जो कि बहुत काम के हैं, और साथ ही आपको बिजनेस कैसे करना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये तमाम चीजें आप सीखेंगे फ्रीडम ऐप पर। इसके अलावा दोस्तों खेती बाड़ी से जुड़े नए आइडियाज हैं वो आप सीखेंगे फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर आप देश के जो टॉप किसान हैं, कामयाब किसान हैं, उनसे खेती करने के नए तरीके और नई टेक्निक्स आप सीखेंगे। तो फ्रीडम ऐप आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।